इब की बार जो है मोदी जी ने जो है वोट मिलेंगे, जो सांसद या विधायक आंड रहे ना कौन मिलेंगे कुछ के? तो इब की बार हैट्रिक मारोगे? हाँ, यहाँ तो निश्चित तौर पे हारने के लिए कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अच्छा, वोट के लिए दौरे हो रहे हैं जी? नहीं नहीं नहीं, इब की बार के क्या मुद्दे रहेंगे जी? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा कोई नहीं, मोदी ही मुद्दा है। अच्छा, राम राम भाई। सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई धर्मवीर जी आए हुए हैं, सांसद जी, और ये आप देख सको हो मुकेश गोड जी भी हैं और शशि परमार जी भी हैं। आ जाओ जी, बात करवावांगे आखिर आज का जो कार्यक्रम था यो किस प्रकार था। मुकेश जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? मैं अच्छा हूँ। तो दौरे चालू कर दिए ना? दौरा किए तो कार्यकर्ता मीटिंग है, मंडल की मीटिंग थी हमारी बापूरा। अच्छा, मंडल की। हाँ, तो कित कित जाके आए हो आज? चार मंडल है तो साम विधानसभा में चारों मंडलों में आज जाना हुआ है जी। तो मुकेश जी किस प्रकार का मतलब प्यार मिल रहा है जनता के कुछ का? तो देख ही रहे हो आप, एक मंडल की मीटिंग थी, बूथ सत्र के कार्यकर्ता हमने बुलाए थे, यहाँ पर ये जो संख्या के आधार पर अंदाजा लगा सकते हो 22 गाँव के कार्यकर्ता थे, तो बस वो गिने चुने कार्यकर्ता लिस्टेड है वही बुलाए। मुकेश जी एक और छोटा सवाल, कुछ ऐसे भी हैं जो नुकर हैं कि इब की बार जो है मोदी जी ने जो है वोट मिलेंगे, जो सांसद या विधायक आंड रहे ना कौन मिलेंगे? नहीं, कुछ के मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि मोदी जी के नाम से देश के लिए जो मोदी जी ने किया, जिस प्रकार देश को आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत देश बनता जा रहे हैं, तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है उनके नाम से वोट आ रहे हैं, और सांसदों की छवि अच्छी है तभी उनको तीसरी बार रिपीट किया गया है। तो इब की बार हैट्रिक मारोगे? हाँ, यहाँ तो निश्चित तौर पे हारने के लिए कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अच्छा, पार्टी कांग्रेस के दिक्कत ये है कि उनको हारने के लिए 10 की 10 बीजेपी जीत रही है, चार बार मीटिंग होली कांग्रेस पार्टी की, यहाँ से कोई टिक टायर थी उनके पास नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिसने भी देखा उन्हें पता है अभी हारना तो है ही है, तो बिल्ली के गलम घंटी वाली बात है, तो यहाँ पर तीसरी बार रहा। आजो धर्मवीर जी तो बात करेंगे। लो जी, जो है धर्मवीर जी जा रहे हैं और जो कार्य धर्मवीर जी जिला प्रधान से कर ले। अच्छा जी, तो बस दो बात कराएंगे जी। धर्मवीर जी आज कित कित का दौरा था? आज हमारे चार मंडल थे, पहला कैरू, फिर ईश्वरवाड़, फिर तो साम बापुरा जी। सिर्फ मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, तो उड़ा ना जा नहीं वे बस। हाँ, ये मीटिंग थी, जिला अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई थी, हम भी उसके लिए आए। अच्छा, ये वोट के लिए दौरे हो रहे हैं जी? नहीं नहीं नहीं, वोट का तो चुनाव चलेगा जब आपने बताएंगे हम क्या क्या कहेंगे। अच्छा अच्छा जी, तो इब की बार के क्या मुद्दे रहेंगे जी? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा कोई नहीं, मोदी ही मुद्दा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी, मोदी जी को वोट मिलेंगे बस। चलो, धर्मवीर जी तो गए, इब रह गए भाई जो कार्यकर्ता है, जो सुनने वाले हैं वो जो है बैठे हैं बार। तो राम राम जी। राम राम। तो आज धर्मवीर जी आए थे, क्या कुछ कह के गए हैं? मैं तभी आया। अभी आए हो, गए नहीं अंदर? अच्छा, ताऊ जी आप गए थे? मैं उड़े बैठे। अच्छा, अड़े बैठे हो? अच्छा अच्छा, राम राम जी। राम राम। तो क्या कुछ कह गए धर्मवीर जी? बढ़िया कह गए, जो कुछ भी कह गए बहुत बढ़िया कह गए। बढ़िया कह गए, बढ़िया कह गए। अच्छा, और 400 पार होगी? 400 पार होगी, होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, नुका है धर्मवीर जी इब भी आए हैं, इससे पहले कौन आए बापुड़ा में? हमेशा आते रहे। हमेशा है हार गया चेती सुंद नारायण आई जाऊ रहे वोट धर्मवीर के है, मोदी के है? अच्छा, मोदी के है, खुल्लम खुल्ला मोदी के। अच्छा हाँ, खुल्लम खुल्ला जो है भाई मोदी के वोट है। आ जाओ, राम राम। राम राम जी। राम राम, ठीक छो? हाँ, दया राम। तो सुने? हाँ। अच्छा अच्छा जी, आ जाओ। राम राम भाई साहब, ठीक छो ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो दौरे करवा दिए चलू? हाँ बिल्कुल। तो 400 पार है? अब बिल्कुल, ये जनता का विचार और जनता का ही समाचार कि इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार। 400 पार। हाँ, ये देश का चौक चौराहों से आवाज है, गली गलियारों से आवाज है कि इस बार 400 पार। अच्छा, तो विधानसभा में भी नुएरा का के? विधानसभा में भी इसका जिस प्रकार से थीम लेके चले हैं मोदी जी, आने वाले समय में हरियाणा में भी ऐसी थीम आपको दिखाई देगी। अच्छा, कि विधानसभा में भी इसी प्रकार से, इसी प्रकार तो चलो, इसी प्रकार बनेगी। ये जनता का ठीक, ठीक है, ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद। आ जाओ, तो ये देख सको हो गाड़िया में जो आ रहे थे, और इस साइड भी आप देख सको भाई जो है कार्यक्रम जो है खत्म हो गया।
हम तो क्या बताओ अनपढ़ सा सुनी तो होगी सुनी बहुत बड़ा अच्छा अच्छा बस अच्छा बोलिया है अच्छा खूब सारी अच्छा। की काम कुम खातर भी कही है के? काम की जरूरत को नहीं बतेरी उन्ती होगी इस देश में। हाँ खूब अच्छा इब नू चाहे है इन चोरा की जमात तब बच जा कांग्रेस सरकार तब बच जा क्योंकि कांग्रेस सरकार तो चोरा का बादशाह है। अच्छा और ये मोदी की संरक्षण में यो देश जितनी उन्नति कर सका है उतना किसी के टाइम में नहीं कर सकता। तो हम चाहते है वोट फॉर मोदी बस। मोदी में जो ताकत है वो और किसी लीडर में नहीं है किसी में नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और इस साइड भी भाई आप देख सको हो जो ग्रामीण है वो बैठे हैं और बीड़ी के सुट्टे मारने लाग रहे हैं। बीड़ी कर लो निचन है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक सो ठीक। तो आज देख लो कैमरा गाय गए। हाँ बोलो। अच्छा हाँ तो भाई साहब बताओ आज आपके गाँव में सांसद जी धर्मवीर जी आ रहे हैं तो के कुछ कह गए के कुछ वादे करे हैं? भाई वादे तो मोदी ने पहले दे रखे हैं सारी लिखित में है। अच्छा अच्छा बापड़म हो रहे हैं क्या काम है? काम सारे ही हो रहे हैं। सारे हो रहे हैं। हाँ। बापड़म के क्या काम होया जी? काम भाई सारी गली फुड़वा के दोबारा बनाओ है। अच्छा ये फुटन लाग रही है गली? हाँ गली पाड़ रखी है। अच्छा फिर नई ईट है ब्लॉक की बिछावना है। अच्छा शिक्षा के ऊपर क्या काम करे जी? शिक्षा के ऊपर भाई मारा वो स्कूल फूट रहा था वो बना दिया सीनियर सेकेंडरी। अच्छा वो फूट रहा था वो बना दिया। हाँ जी स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य दुकान। हाँ 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 मैं फार्मासिस्ट हूँ भाई। ऐसा है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बढ़िया काम कार्य कर रहे हैं। अब ये जो एचपी सेंटर वाले हैं ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ ना आस पास में भिवानी नज़दीक है ठीक है ना। तो कोई भी जैसे 5 साल का की योजना जो कार्ड बनाए गए हैं प्रधानमंत्री का उसे इलाज करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जबरदस्त बन रहे हैं कार्ड लगभग बर्थडे बन रहे हैं पीले कार्ड वगैरह सारे बन रहे हैं। और भाई जो स्कूल है स्कूल नया बनाने लग रहे हैं ठीक है ना शिक्षा के लिए वो बहुत अच्छी देखभाल करने लग रहे हैं बच्चों की बार। मोदी तो ही जो है वोट जाएंगे सारे हमारे पिछली बार भी हमारे 7,000 वोट पोलिंग हुई 7,500 उसमें 5,000 मोदी गए हैं बप्पड़म में। अच्छा। मोदी 5,000 से लीड कर लिया था एक तरफा। अब की बार तो हाँ अब की बार तो फिर एक तरफा ही है। अब की बार 10,000 आसपास पोलिंग बहुत होगी 76% अब की बार 80% पोलिंग होगी ठीक है ना। हाँ 12,000 वोट है। हाँ बताइए सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हरियाणा पुलिस में जवान लगे हैं जबकि कांग्रेस के टाइम में कोई लगा ही नहीं। अच्छा ठीक लगे तो हैं बाकी बिना पर्ची अच्छा। ना तो किसी नेता की सिफारिश किसी भी नेता की किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है। अच्छा। अपनी मेहनत से बच्चे लगे हैं बाकी हरियाणा पुलिस में सबसे ज्यादा लगे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ भी, है। हाँ अलका तो साम में। अच्छा तो मैडम ने काम कुम करवाए हैं? हाँ मैडम ने कुछ करवाए हैं देखो उनको भी हम नकारा नहीं करते ठीक है ना भाई। जिसने काम करवाए हैं उसको तो कहेंगे भाई इस नेता ने काम करवाए हैं। तो केला का है मतलब एक तरफा है या टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी की? नहीं अभी तो एक तरफा है। एक तरफा है अभी तक तो एक तरफा है आगे देखो कैसे क्या विचार बनते हैं। अच्छा हाँ जी क्या विचार बना है? बहुत बढ़िया सरकार है अच्छा काम कर रही है और अपना तो वोट भी बीजेपी का है। और चलो बीजेपी का है। शिवर यहाँ गांव में पहला गांव है शिवर पड़ने लग रही है अब। अब पूरा गांव में शिवर व्यवस्था कर रखेंगे गंदगी तो छोड़ देगा मोदी है ना। 10,000 आबादी से ऊपर जो गांव है मारबा पड़ा इसमें शिवर पड़ना पड़ेगा तो शिवर हो पीछे तो गंदगी उसको पड़ा के नो भी कहा है कि काम को नहीं हो रहे जो धर्मवीर जी हैं ई भाई हैं बोटा पक्ष है। धर्मवीर तो दौरे लगातार हो रहे हैं धर्मवीर के दौरे आप ठाक देखो कब को 4 तो प्रोग्राम कर लिए हैं साल में धर्मवीर लगातार आ रहे हैं। और मथन सिंह चौक बनाया गया धर्मवीर ने भी ताज़ा हमारे गांव का ही है। हाँ मथन सिंह उद्घाटन मथन सिंह ने किया था गेम जो है थे उसका उद्घाटन मथन उन्होंने किया था स्कूल की नींव रखी थी उनको रखी थी। तो ऐसे नहीं काम गांव में काम बहुत हो रहे हैं लोग हैं ना बड़े खुश हैं। हाँ खुश है जी सरकार खुश है। चलो भाई तो आपने सुनी ग्रामीणा की बात सुनी जो है धर्मवीर जी की बात सुनी तो आपने क्या कुछ कहना है भाई इब की बार कौन सी के सरकार आओगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाइयों ने जय हिंद जय भारत।